देखिए पहली बात तो उत्तर प्रदेश जो आप बता रहे हैं शिवसेना का, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने जिस तरह से अपनी 4 साल की राजनीति और 4 साल के प्रदेश के प्रशासन को उन्होंने जिस निष्ठा के साथ किया है, यही उनकी 4 साल की जो कार्यकाल है यही लोगों को जवाब देगा। कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, कोई नाराजगी नहीं है। नाराजगी होती तो सत्ता में होते, वो हमारे साथ सत्ता में है, किसी भी तरह की नाराजगी नहीं। ये पहले कभी हुआ करता था, लेकिन जब से आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी मुख्यमंत्री हुए हैं तब से उत्तर भारतीयों के ऊपर किसी ने हाथ उठाने की ही नहीं, बुरी निगाह से देखने की हिम्मत भी नहीं की है। और मुझे लगता है कि ये जो नफरत की राजनीति है ये दूर हो, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने 2 राज्यों के बीच में एक भारत श्रेष्ठ भारत के अभियान के तहत एक सांस्कृतिक आदान प्रदान का अनुबंध किया है। मैं उत्तर प्रदेश के आदरणीय राज्यपाल राम नाईक जी के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के साथ महाराष्ट्र के सांस्कृतिक आदान प्रदान का अनुबंध किया। भारतीय जनता पार्टी विचारों की स्वतंत्रता की पैरोकार है, और इसके लिए वो विचार अगर इस तरह से होते हैं कि किसी की बायोपिक बनाई जा रही है या किसी के ऊपर फिल्म बनाई जा रही है, तो इसे अगर किसी को विरोध है तो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। उस पर भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। देखिए वो इसके लिए फोरम है सेंसर बोर्ड, इसके लिए फोरम है न्यायालय, वो उसमें दस्तक दे सकते हैं, उसमें जा सकते हैं, उन पे गुहार लगा सकते हैं। इसके लिए किसी को दोषी करना ये ठीक नहीं है।